अमेरिका में तिब्बत की आजादी को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। अमेरिकी संसद में तिब्बत को लेकर एक बिल पास हुआ था जिसे आखिरकार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। यानी राष्ट्रपति की अंतिम मोहर उस बिल पर लग चुकी है जिसे अमेरिका की संसद ने मिलकर पास किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन बिल पर साइन कर चुके हैं। चीन ने इस बात को लेकर आगाह किया था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकी संसद द्वारा लाए गए इस बिल पर साइन ना करें, लेकिन चीन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बिल पर साइन कर दिया है और तिब्बत की आजादी का रास्ता तय कर दिया है। हाल ही में भारत दौरे पर आए अमेरिकी प्रतिनिधियों ने तिब्बत के नेता दलाई लामा के साथ मुलाकात की। तिब्बती धर्म गुरु के साथ मुलाकात करने के साथ ही वहां से अमेरिकी प्रतिनिधियों ने बड़े ऐलान किए और ऐलान के साथ ही जब वो वापस अमेरिका लौटे तो कुछ ही दिनों के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस बिल पर साइन कर दिया। अगर बिल की बात करें तो अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये बिल 12 जून को ही पास हो गया था। बिल के समर्थन में रिकॉर्ड 391 और विरोध में केवल 26 वोट पड़े थे। इसके बाद सेनेट से भी ये पास हो गया और आखिरी राउंड के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो उन्होंने भी इसे साइन कर दिया। इस बिल का मकसद तिब्बत के विवाद को सुलझाना है। बिल में तिब्बत की स्थिति, विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की बात की गई है। इसके साथ ही चीन से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से फिर से बातचीत शुरू करने को भी कहा गया है। इस बीच अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकॉल भारत आए थे। वो इस दौरान दलाई लामा से भी मुलाकात करते नजर आए। उन्होंने इस बिल पर चर्चा की। हालांकि सबसे बड़ी बात ये थी कि इस डेलीगेशन में अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर और ताइवान जाकर चीन के साथ विवाद को बढ़ाने वाली नैन्सी पेलोसी भी शामिल थी। नैन्सी पेलोसी जिस तरह ताइवान पहुंची, उसी तरह भारत में आकर उन्होंने तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा से मुलाकात की। नैन्सी पेलोसी वही हैं जिनके ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह चिढ़ गया था और जंग की धमकी तक दे दी थी। न जाने अब चीन क्या कहेगा तब जब बात चीन में घुसकर ताइवान को आजाद करने की हो रही है। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट नाम का ये बिल तिब्बत पर चीनी कब्जे को नकारता है। बिल कहता है कि अमेरिका तिब्बत के साथ खड़ा है और चीन के साथ चल रहे उसके विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद करेगा। इस बिल के मुताबिक अमेरिका चीन और दलाई लामा के बीच बिना शर्त के समझौता कराने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ये बिल चीन की सरकार की तरफ से तिब्बत को लेकर किए जा रहे झूठे प्रचार को भी खारिज करता है। बिल में चीनी सरकार के दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ने के लिए फंडिंग का प्रावधान भी किया गया था, जिसे अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साइन कर बड़ा विवाद छेड़ दिया है। चीन इससे बिलबिलाया हुआ है और इसे लेकर निश्चित तौर पर बड़ा एक्शन लेने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।